दोस्तों, अगर आप एक CSCBA लिए हैं और कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आप भी अपने CSC ID से अपना ऑपरेटर ID जनरेट कर सकते हैं, वो भी 5 ऑपरेटर ID जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी किसी टाइम काम ज़्यादा होता है और उसके लिए हम एक ID से काम नहीं कर पाते हैं सेम टाइम में, इसलिए हमारे ID लॉग आउट होती रहती है, बार बार समस्या आती रहती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे अपनी CSC ID से हम ऑपरेटर ID जनरेट कैसे करते हैं, वो भी 5 मिनट में। हम सबसे लास्ट में आएंगे और लास्ट में आने के बाद में हम देखेंगे अकाउंट, और अकाउंट आने के बाद में यहाँ से देखेंगे माई प्रोफाइल, माई प्रोफाइल में देखेंगे ऑपरेटर्स। हम ऑपरेटर्स आएंगे और इसे ओके करेंगे। इसे ओके करने के बाद में यहाँ से जो ऑपरेटर का जो जो कॉलम खुलेगा, यहाँ से ऑपरेटर्स खुल गया, और यहाँ से हम देखेंगे अगर आपने पहले से बनाया हो तो उसका ऑपरेटर ID नीचे शो करेंगे, नहीं बनाया तो यहाँ से ऐड ऑपरेटर ID करेंगे। यहाँ से ऐड ऑपरेटर ID करेंगे, और ऐड ऑपरेटर ID करने के बाद में यहाँ से ऐड न्यू ऑपरेटर ID होगी, उस ऑपरेटर जिसे हम बनाना चाह रहे हैं उसके आधार कार्ड डिटेल डालेंगे। यहाँ से आधार कार्ड पे जो नाम है वो डालेंगे, आधार कार्ड पे जो नंबर है वो डालेंगे सॉरी, और उसके उसके नीचे हम डालेंगे फुल नेम डालेंगे जो आधार कार्ड पे हो, उसके नीचे हम डालेंगे DOB, और उसके नीचे जेंडर डालेंगे। ध्यान देने की बात है दोस्तों, जो आधार कार्ड पे हो वो मेंशन करना है इसमें दोस्तों, अदरवाइज किसी का नाम जैसे और कुछ नहीं डालना है। उसके बाद में हमारा ईमेल ID डालेंगे, और ईमेल ID डालने के बाद में उस पर OTP आएगी, OTP डालने के बाद में यहाँ जनरेट करेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में, जिस ऑपरेटर का आप बना रहे हो उस आधार कार्ड में उसका नंबर लगाना है, वही नंबर डालना है दोस्तों। उस पर OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड डालना है, फिर आई हैव पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे दोस्तों। यहाँ से आपकी ID 1 मिनट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी दोस्तों, CSC ID 1 मिनट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ से ऑल सर्विस मिलेंगी दोस्तों, जो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में है उसी वही सर्विस सेम ऑपरेटर ID को मिलेंगी जो आपने ऑपरेटर बनाया है। आप पैन कार्ड बना सकते हैं, जो भी आपकी जो सर्विस होंगी वो उसे सब सर्विस मिल जाएंगी दोस्तों। यहाँ से अपना जो आपने जो मेंबर ID ऐड करी थी उसे हम देख सकते हैं, यहाँ से मेल ID जो हमने डाला था और मोबाइल नंबर हमने जो डाला था, और एक्टिव स्टेटस देख सकते हैं अभी जो हमने बनाया था उसे एक्टिव है, और यहाँ से बैलेंस भी हम उसे ऑपरेटर ID को हम यहाँ से बैलेंस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और बैलेंस शो बैलेंस कर सकते हैं, और जो अकाउंट का जो फीचर्स वगैरह होता है ऐड अकाउंट वगैरह, यहाँ से डिलीट वगैरह जो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से जो भी ऑपरेटर ID होगी वो आपके हाथ में होगी दोस्तों, आप जब चाहें उसे बंद कर सकते हो, जब चाहें उसे चालू कर सकते हो, और सेम टाइम में सेम ID चलेगी दोस्तों, सेम टाइम में सेम वर्क कर सकते हो दोस्तों। कभी आपकी ID लॉग आउट नहीं होगी लॉग, और कभी किसी प्रकार की समस्या ना होगी दोस्तों। यहाँ से हम ID 5 जनरेट कर सकते हैं दोस्तों, और सेम टाइम में 5 ID पे काम भी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए नमस्कार दोस्तों।